ओए हटो आगे से हटो क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इट्स डे 3 ऑफ आवर विजिट टू कश्मीर और हम अभी मौजूद हैं ये सुद्दन गली। ये है वो गेस्ट हाउस, यहाँ हमने स्टे किया है और ये देखे जी क्या खूबसूरत मनाजर पेश कर रहे हैं यहाँ जंगलात। अभी इंतहाई प्यारा मंजर है यहाँ का, सुबह सुबह सर्दी भी है और इसका हमने इंतजाम किया है बोनफायर से। जी सुबह और उसके बाद हमने नाश्ता करना है। ये नाश्ता आ गया और पराठे, अंडा, आमलेट और ये खूबसूरत मंजर, चाय। इससे ज़्यादा आप एक टूरिस्ट के लिए क्या बेहतरीन चीज़ हो सकती है। गाड़ियाँ सिर्फ यहीं इसी गेस्ट हाउस तक ही थी, इससे आगे गाड़ी वगैरह कोई नहीं जा सकती है। अच्छा जी, ये देखें जी यहाँ बर्फ। अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल ऊपर, 6-7 किलोमीटर का फासला है और इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लिप है। और तो ये देखें जी ये मंजर है, कोई गाड़ी 4x4 हो या कोई भी गाड़ी हो, सेडान हो, वो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती इस रोड पे। वो मंजर जिसके लिए हम जा रहे हैं। अच्छा जी, जितना ऊपर जा रहे हैं, जितना आगे जा रहे हैं, उतना कमाल का मंजर देखने को मिल रहा है। ये देखें और वो देखें, अभी हमने काफ़ी आगे जाना है। ये है वो मंजर जिसके लिए ये सब मेहनत की जा रही है, इंतहाई प्यारा मंजर। और धूप की वजह से जो नेचर की ब्यूटी में इजाफा हो गया और रिफ्लेक्शन आ रही है बड़ी ज़बरदस्त बर्फ से। और ये नौजवान फोटोज़ वगैरह जो कि बहुत ज़रूरी हैं वो बनवा रहे हैं इस बैकग्राउंड में। ये देखें जी, ये है वो माहौल। इसके लिए अभी गुज़श्ता आधे घंटे से हम पैदल चल रहे हैं और ये देखें जी ऊपर कुछ और भी टूरिस्ट आए हैं, वो भी वो गंगा चोटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, ये हमें एक जीप मिल गई है और जीप पे हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, लेकिन स्लिप वगैरह ज्यादा है। यार देखें, देखें यार मैं ऑडियंस को दिखाता हूँ। यार असल में इशू ये है, यहाँ पे हम साइड में या पीछे इसलिए खड़े हैं। ओ यार जा रहा है, स्लिप हमजा था ब्लॉगर। ये वजन की वजह से नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, वजन नहीं, स्लिप है यार पूरा। वजन जरूरी होता है, क्या आ रहा है यार? लगा हुआ था यार 4x4। लगाओ तो ये पता चले गाड़ी चलती कैसे, रेस की स्पीड से ऊपर जाती नहीं है। अभी लगाएगा बंदे को जिंदगी होगी ये देख चलाते हुए गाड़ी। यार कुछ नहीं यार, वो देखो पहली गाड़ी जा रही है, पता है फुल शॉट हो। आप साइड पे साइड पे नहीं हो, फोन बंद कर रहे हैं ताकि भागने यार अपनी ग्रिप से 3 दफा करके पकड़ना है। ओ यार ये तो जा ही नहीं रही है। मैं नीचे उतरूं यार। क्यों मैं नीचे उतरूं? नीचे यहां से वहां तक पैदल चलते ऊपर। अब कुछ नहीं होता है, चढ़ेगी गाड़ी नहीं यार, नहीं चढ़नी आने 400 जी आखो तो ओली। अच्छा ना मारो नीचे उतर चुका हूँ गाड़ी के।
क्योंकि मुझे तो लग रहा है भाई डर। और उमेर छा लोग आ जाए गाड़ी पे भाई, ये बेवकूफाना बात है यहाँ गाड़ी पे चढ़ना, बिल्कुल बेवकूफाना बात है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है और नीचे बहुत गहरी खाई है, ये बिल्कुल वाइज डिसीजन नहीं है। आ रही है, आ गई आ गई आ गई, नहीं नहीं ओ यार नहीं नहीं गाड़ी नहीं आ रही है ऊपर, और अभी रास्ता बहुत ज्यादा है और तकरीबन लोकल्स का ये कहना है कि यहाँ से आगे 30 से 40 मिनट का रास्ता है, तो देखते हैं फिर हम कहाँ तक जाते हैं। मुझे तो लगता है टॉप तक हम नहीं पहुँच सकेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 2 बज गए और हमने वापस पैदल नीचे भी जाना है। गाड़ी रुक गई है जी यहीं क्योंकि ये ऊपर नहीं जा सक रही है, और अब यहाँ से दोबारा हम पैदल चलेंगे ऊपर। अच्छा जी, ये भाई जान मेरे ख्याल में एक और बार कोशिश करना चाह रहे हैं, लेट्स सी इफ ही ट्राइज, कोशिश कर रहा आने की। अरे 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 हटो 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 आगे से मात हटो भाई, कैमरे को देख के बार बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन गाड़ी यहाँ से नहीं चढ़ेगी क्योंकि इससे आगे भी काफ़ी चढ़ाई है। अब देखें यहाँ और वहाँ तक काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। नीचे सुदन गली से आए तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा की वॉक करके, लेकिन उसके बावजूद हम अभी गंगा चोटी से काफ़ी दूर हैं, और ये है कि गंगा चोटी जाने के लिए हमें मज़ीद तकरीबन 40-50 मिनट की वॉक चाहिए, और चूंकि हम लेट भी हो गए हैं और शेर भाई नीचे अकेले हैं सुदन गली, तो इसीलिए हम गंगा चोटी नहीं जा पाएंगे, यहीं से हम वापस जाएंगे और ऑलमोस्ट को गंगा चोटी समझा जाए। अच्छा भाई सारे ऊपर देखो, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल माज भाई? सर जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा, ठीक है जगह तो खैर है खूबसूरत है ही, तो लोग भी जो है वो साथ वो भी काफी खूबसूरत है। कौन से लोग हैं? लोग तो कोई दिखे ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, साथ वाले लोग खूबसूरत हैं। अच्छा अच्छा, इस वजह से जो है ना इस हमारी ट्रिप को 4 चांद लग गए। अच्छा जी, ये भाई हैं लिपा से, जनाब लिपा से नहीं है, कौन सी जगह से? कोटली आजाद। कोटली आजाद का ये वो है बुरहान भाई हैं, अब बताएं जी क्या करें। बोलो बुरहान भाई, अपने ख्याल का इजहार करना चाहेंगे आप? इसके बाद में दावा देता हूँ बुरहान भाई को कि वो स्टेज पे अपने ख्याल का इजहार करें। बोलो बुरहान आ गया आपका। अच्छा चले, बहराम नाम है इसका, बहराम। बात कुछ ऐसी है कि बहुत ही खूबसूरत मंजर, खूबसूरत लोग, सही हो गया खूबसूरत। मेरी भी कोई तारीफ करो ना, तो आप हमारे साथ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको कॉम्प्लेक्स का शिकार है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अच्छा इस ट्रिप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा मसलन, अच्छा जी इनकी हो गई है बस, अपने आप को कश्मीरी कहते हैं लेकिन इनको मैं घसीट घसीट के ले आया हूँ, बहुत मुश्किल से इनको यहाँ तक ले गया हूँ पैदल, इनकी पसीने और बुरी हालत थके हो गई थी, और मतलब ये नहीं है पहाड़ी लोग नहीं है, ये कश्मीरी नहीं है, आज से मैं इनको कश्मीरी लिखा और पढ़ा ना जाए, इनकी मैं नेशनलिटी छीन रहा हूँ कश्मीरी। ओह बाल बाल बचा है भाई, यार अभी कैमरा ऑन किया था, तुम गिर जाते बहुत अच्छा था। यार अच्छा जी, हम जा रहे हैं यहाँ से वापस, और ये है कि आपको फिर दिखाते हैं वापसी के मनाजिर। यहाँ से हमने जाना है पहले सुदन गली, वहीं है वो गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस के बाद मैं सबर गेस्ट हाउस के बाद हमने वहाँ से जंक्शन को पिक करना है, जंक्शन नहीं बल्कि हमें पिक करना है, बल्कि वहाँ गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठना है, और वहाँ से हमने निकलना है मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद में माज भाई को ड्रॉप करना है, और वहाँ से हमने निकल जाना है बरस्ता अब्टाबाद, फिलहाल प्लान है लेकिन देखते हैं टाइम अगर हुआ तो बरस्ता अब्टाबाद हम जाएंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो लेट्स गो। अच्छा करो स्किट, कौन कर रहा था? हमजा भाई ये देखें जी, पहली शादी हो गई है यहाँ, पहली शादी हो गई है जी यहाँ पे, और मुझे लगता है दोनों तीनों गिरेंगे। नहीं आऊंगा मैं, स्लिप होऊंगा, एक गिरेंगे गिरेंगे मुझे पता है गिरेंगे।
यार कि अभी हम तैयार हो गए वापस निकलने के लिए और गाड़ी हो रही है स्टार्ट। और ये है जी बेंजीर पैलेस, इसने भी आना हो अगर तो ये रिकमेंड करेंगे सुद्दन गली में स्टे करें इस बेंजीर पैलेस में, और यहाँ से फिर आप जो है जाएं आगे ऊपर गंगा चोटी। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे हम मुजफ्फराबाद। अच्छा जी हम वापस इस्लामाबाद पहुँच गए और E11 KFC भी मौजूद है और ये KFC कुछ ऑर्डर की है, ये खा के फिर अब हम ब्लॉग को करेंगे यहीं एंड। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे फिर किसी ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें, लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़।